प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर है। पहले दिन वह दोपहर 3:30 पर बनासकांठा पहुंचेंगे। यहां डीसा में उनकी जनसभा है। इसके बाद शाम 5:15 पर साबरकांठा जाएंगे। यहां पर भी पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा सीट के कटघोरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोपहर 1:00 उनकी सभा होगी। शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह कटघोरा में आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेने और भाजपा में शामिल होने के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने खुद को राम भक्त बताते हुए राम राज्य लाने के संकल्प को पूरा करने के लिए भाजपा में शामिल होने की बात कही। इसके पीछे किसी डील की अटकलों पर उन्होंने कहा, जो आदमी 15 लाख रुपए की घड़ी पहनता हो, जो शून्य से शीर्ष पर पहुंचा हो, उसे कोई डील में क्या देगा। सागर लोकसभा चुनाव की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े के समर्थन में चुनावी सभा करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को पहली बार बिना आ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा के द्वारा विभिन्न तरह की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कल्याण और ठाणे लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसके मुताबिक पार्टी ने कल्याण सीट से श्रीकांत शिंदे और ठाणे सीट से नरेश गणपत महस्के को टिकट दिया है। नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिर्ची बाबा इन दिनों हिमालय की धरती पर विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। माँ भगवती कामाख्या के प्रसिद्ध उपासक श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यनंद गिरी महाराज 7 विशेष अनुष्ठान उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा की न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि शुरुआती 2 में मतदान कम हुआ है, लेकिन आगे आने वाले चरणों में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि शुरुआती 2 में मतदान में गिरावट की मुख्य वजह शादी ब्याह और गर्मी रही है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली के प्रचार के लिए जींद के मलिकपुर गांव में गई एक गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरह से भागकर जान बचाई। प्रचारकों का आरोप है कि 200 से 250 लोग तलवार और लाठियां लेकर खड़े थे। लोकसभा चुनाव के रण में पक्ष और विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दी है। बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री डायमंड हार्बर सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। अगर मैं इस सीट से चुनाव हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आज अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने वाली हैं। इसे लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव है, इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या भेजा गया है। जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब उन्हें वहां नहीं बुलाया गया था।